सोमवार से शीतकालीन सत्र जो है वो संसद का शुरू होने जा रहा है, जिसमें 27 अहम बिल पेश होंगे। और इससे पहले सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई और इस बैठक में तमाम दलों से यही अपील की गई है कि संसद का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चल सके। तो आपको बता दें कि 27 अहम बिल जो है वो पेश होंगे। तो आपको बता दें कि 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें बैठक में संसद के कामकाज के बारे में बातचीत की गई, सभी दलों से संसद को सुचारू रूप से चलाने की अपील की गई है। तो अब ऐसे में तमाम रणनीति जो है वो तय हो चुकी है और 27 अहम बिल पेश होंगे। और कई मुद्दों को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है सरकार पर, रणनीति तय कर चुका है, लेकिन अब सर्वदलीय की बैठक में ये अपील की गई है कि सुचारू रूप से संसद को चलने दिया जाए। सरकार के पास आज के दिन में 27 बिल इंट्रोडक्शन पासिंग कंसिडरेशन एंड पासिंग के लिए टोटल 27 बिल्स हैं। उसमें तो ऑलरेडी लोकसभा में पारित होके राज्यसभा में पारित होके लोकसभा में पेंडिंग हुए 2 बिल है और लोकसभा में पारित होके राज्यसभा में 10 बिल हमारा पेंडिंग है। उसके अलावा 2 अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, वो अध्यादेश को भी हमको पारित करना है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में है, एक टैक्सेशन के बारे में है और उसके अलावा जो नया बिल आने वाला है उसके बारे में हम अपोजिशन को अवगत भी किया है। हर मीटिंग में और हर सेशन हमको सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब सदन में हम, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन मुद्दों को लेकर खड़े हो जाते हैं, उन पर चर्चा करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे देश की इकॉनमी हो, चाहे वो देश में बेकारी बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की जो हालत है उसको लेकर हम सदन में उठाना चाहें, तो सरकार वहाँ इनकार कर देती है, यहाँ तो आश्वासन देती है और वहाँ तो एक ही सरकार, उनका लाइब्रेरी में एक आश्वासन होता है और सदनों में दूसरा मूड होता है। तो ये आज हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से, संसद सदस्यों का अधिकार है, प्रिविलेज है कि वो देश के किसी भी हिस्से में जाए और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए भारत के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उनका हक भी बनता है कि वो जाएं, वहाँ के लोगों को मिलें, वहाँ की हालत का जायजा करें और संसद के अंदर उस पर चर्चा करें और ये बात उठेगी भी, इस पर चर्चा करें। सर्वदलीय बैठक थी पार्लियामेंट के लीडर्स की, अलग अलग पार्टियों की, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी शिरकत किए, गृह मंत्री जी भी थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, सभी नेताओं ने अलग अलग विषयों पर अपनी चिंता जताई। मैंने भी सर्वदलीय बैठक में पर्यावरण प्रदूषण, जो एक राष्ट्रीय संकट के रूप में सामने आ रहा है, पंजाब से लेकर पटना तक बहुत सारे शहरों के बारे में रिपोर्ट आती है कि यहाँ पर प्रदूषण बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, हमने बहुत सारे प्रयास किए, सरकार को भी एक व्यापक इस पर चर्चा करा के एक सार्थक प्रयास और समाधान की ओर बढ़ना चाहिए, इसकी मैंने मांग की पार्लियामेंट के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग में।